इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति का मुद्दा सियासी हो चला है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा के दौरान पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल जी सब करें बस राजनीति न करें, यह छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ियों की मांग का समर्थन करते हैं, राज्यपाल जी हमारे हैं, वे हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, क्या हम अपनी मांग नहीं रख सकते हैं। गौरतलब है कि सुश्री राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शुक्रवार को विश्वविद्यालयों में स्थानीय कुलपतियों की मांग पर कहा था कि कुलपति नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल का है, राज्यपाल के 14 से 9 विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति हैं। देखिए, तृतीय चरण का मतदान तो कल हो जाएगा और चौथा पांचवा छठवा सातवा चरण अब के लिए सब लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि दूसरे दो चरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से पिछड़ गई है, तीसरे चरण में भी रिजल्ट करीब करीब वैसे रहना है। अब संकेत ये आने शुरू हो गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो सदमे में थे शायद उससे उभर गए हैं लगता है, और फिर से आई अच्छी बात है, और हंटर वगैरह चलाए तो ठीक रहेगा। हाँ, पुरंदेश्वरी जी ने वहाँ जो थूका ना, भारतीय जनता पार्टी किसी भी बड़े नेताओं को राजधानी के नहीं बुलाया गया है बैठक, 15 साल रहे रमन सिंह को भी आमंत्रित नहीं किया गया है बैठक। बिल्कुल स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी नया नेतृत्व खोज रही है, और ये पुराने जो लोग हैं उसको दरकिनार करना चाहते हैं, जो इतने साल तक रहे हैं उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार उनकी पार्टी के द्वारा हो रहा है, ये तो बेहद चिंतनीय है। छत्तीसगढ़ के लोगों के यदि मांग कर रहे हैं और यहाँ प्रतिभा है तो उसे अनदेखा क्यों किया जाना चाहिए। अभी जितनी नियुक्ति हुई अभी हाल फिलहाल में वो तो छत्तीसगढ़ के नहीं थे। हाँ, तो ठीक है ना, तो हम अपनी मांग नहीं रख सकते क्या? राज्यपाल हमारे हैं, हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके पास वो तो वैसे किसी से मिलने चली जाती हैं, इस बात पे फिर उनको तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, किसको क्या करना है वो अलग बात है, वो राजनीति करना बंद करें। जो राजनीति कर रहे हैं ना वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। सर, ये रेत और सीमेंट के दाम लगातार देखिए, जहाँ तक सीमेंट की बात है वो हमारे हाथ में है नहीं, भारत सरकार के अधीन है। दूसरी बात ये है कि रेत के मामले में लगातार शिकायत हो रही थी कि अवैध खनन हो रहा है, उत्खनन हो रहा है, और उसमें कार्रवाई की गई तो उसका थोड़ा सा ये रिएक्शन हुआ है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, अब वो रेकी करके गए हैं, क्या बेचना है, और एयर इंडिया तो बेच चुके हैं। जब यहाँ आए कुछ दे के जाना था, आए बजट समझाए, क्या बजट समझाए, कुछ समझ आया बजट? जो प्रस्तुत करने वाले उसको समझ नहीं आया तो उनको क्या समझ आएगा, और छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या समझ आएगा? आखिर छत्तीसगढ़ को दिया क्या है जो वो बताने आए थे? तो छत्तीसगढ़ को कुछ दिए तो है नहीं जिसके बारे में बात करें वो। उनको जवाब देना चाहिए केजरीवाल को। अभी बोलते हैं कि 12,000 स्मार्ट क्लास बनाए, 75 साल में नहीं बना, तो स्मार्ट क्लास के कॉन्सेप्ट ही अभी आया है, हाल फिलहाल आया, कुछ वर्षों पहले आया है, उसके पहले तो नहीं था। तो 75 साल पहले स्मार्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में नहीं था, केजरीवाल का हवा से ले आते, जब आया तब चालू किया ना हुआ। स्मार्ट क्लास तो हमारे यहाँ भी है, कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? उनको कुमार विश्वास के सीधा सीधा जवाब देना चाहिए, दाया बाया नहीं करना चाहिए। ये देश के एकता से जुड़ा हुआ है, अखंडता से जुड़ा हुआ है, सबके भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए दाया बाया नहीं करके सीधे उसको सवाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस और भाजपा भी उनको बदनाम करने की साजिश कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी बी टीम है, जबरदस्ती क्यों बोल रहे हैं? अब केंद्रीय मंत्री जी इतना झूठ बोलेंगे उम्मीद नहीं था। हमारी जो डिमांड है उसको देख लीजिए, सप्लाई कितना किया है, और आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। तो वो तथ्य चीख चीख के बोल रहे हैं, कोई झूठ बोल रहे हैं?